बंकन सड़क पर मूर्तिकार के लिए अभिकेंद्र बल तथा अधिकतम वेग। अब हम चार पहियों के लिए अब बंकन करेंगे। सड़क को ढालू बना दिए, एक तरफ से हमने उभार दिया, उठा दिया। तो जब उठा दिया तो जब कार मुड़ रही है हमारी उस कंडीशन में, तो फिर उसका अभिकेंद्र बल और साथ में अधिकतम वेग कितना होना चाहिए ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये सभी चार पहियों के लिए होगा, चाहे वो आपके ट्रक हो चाहे वो बोलेरो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है रोड का क्षैतिज, ऐसा रोड था, इसको हमने एक तरफ से उठा दिया रोड को ऐसे, ये ऐसे रोड को हमने ऐसा उठा दिया। और जब रोड को आपने उठा दिया तो कुछ एंगल भी उठाया होगा, तो उस एंगल को हम मान लेते हैं कितना, थीटा डिग्री भी उठाया होगा। ठीक, और जहां पे हमारी, मान लीजिए ये हमारी यहाँ पे कार है ऐसे, ठीक, ये क्या है यहाँ पे हमारी कार है। तो यहां पे एक कार जो है इसके सेंटर से एक बल नीचे की ओर काम कर रहा होगा, ये ऐसा। इस बल को हमने नाम दिया क्या, mg, इसके भार के कारण, कार की भार के कारण। अब ये सतह पे है तो रोड की वजह से एक बल इसके प्रतिक्रिया में काम कर रहा होगा ऊपर की ओर, तो वो बल अगर हमारी कार मुड़ी हुई है तो कुछ ऐसे मुड़ी होगी ये, ठीक। ये कार की दिशा इधर हो गया, पहले हम ये बना लेते हैं। ये हमारा ऐसे, मान लीजिए ऐसे सीधे जा रही थी कार, और यहां से कार ऐसे मुड़ी होगी, ये है हमारी कार ऐसे, ठीक। कार का नीचे की ओर कुछ ना कुछ भार लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा यहां से इसके सेंटर से, तो एक भार हमने दिखाया क्या, mg, नीचे की ओर, और पृथ्वी की वजह से एक प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा, तो वो लगेगा यहाँ पे r, जिसको आप बोलते हैं अविलंब प्रतिक्रिया। तो ये हुआ अविलंब प्रतिक्रिया। ज्यादा समझने के लिए इसके चक्के बना दीजिए ताकि और इजी आपको समझ में आए, ठीक। तो आप देखिए ये थीटा किससे बनाएगा, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये टिल्ट हो गया ऐसे, झुक गई ऐसे, तो कितना डिग्री झुकी होगी, तो इसको ये जितना डिग्री इधर उठा हुआ है उतना डिग्री इधर ये झुकी होगी, यानी थीटा, ठीक, थीटा डिग्री ये झुकी होगी। अब इसका हम क्या करेंगे, इस आर का हम क्या करेंगे, इस आर का हम घटक बना लेंगे, ठीक, आर का हम घटक बनाएंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम घटक बनाते हैं तो थीटा के साथ क्या आता है, कॉस आता है, कॉस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक। डायग्राम दिख रहा है ना। अब यहां पे क्या होगा, ये तो हो गया आर साइन थीटा, जिसकी वजह से हमें अभिकेंद्र बल मिलेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो ये तो एक चीज हो गया जो हमने अभी साइकिल कंडीशन में पढ़ा था, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे साथ में घर्षण बल भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि केवल आर साइन थीटा ही बल लगाएगा, बल्कि घर्षण बल भी यहां पे काम करेगा, तो उसे भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो घर्षण बल किस दिशा में काम करेगा, तो घर्षण बल इस सतह के विरोधी बल होगा, ये विरोधी बल है, तो इसके तरफ ऐसा काम कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे एफ एस, ठीक। ये क्या बता रहा है, घर्षण बल। अगर ये घर्षण बल ऐसे काम कर रहा है तो यहां पे देखिए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में भी इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, कंपोनेंट बन जा रहा है, ठीक, क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा इसका भी। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका, ये क्या बनेगा, तो ये जो कंपोनेंट इसका बनेगा, तो यहां पे अगर ये थीटा है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल पढ़ा होगा, तो ये थीटा की वजह से ये भी क्या बना लेगा, थीटा बना लेगा। तो एक चीज हमें इसी डायरेक्शन में एक चीज और मिल जाएगी, और इसी डायरेक्शन में हमें एक चीज और मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एफ एस, क्योंकि यहां पे थीटा नहीं बन रहा है, तो ये बनेगा एफ एस साइन थीटा, और इधर वाला क्या मिल जाएगा हमें, एफ एस सरफिक्स में एस कॉस थीटा। अब ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि दर्शा रहा है कि इसमें
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आर साइन थीटा भी बल लगा रहा है और घर्षण बल भी अभिकेंद्र बल हमें दे रहा है, दोनों मिलके दे रहे हैं। अब इसी चीज को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें तो पता ही है आपको। एफ एस क्या है, घर्षण बल है, और आर क्या है, प्रतिक्रिया अभिलंब अभिलंब है। बाकी चीजें तो पता ही है आपको। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल वर्टिकल वाले को एक साथ, ऊर्ध्वाधर में जो है उनको कैलकुलेट करिए पहले, फिर जो क्षैतिज में है। तो ऊर्ध्वाधर में क्या क्या है हमारे पास, आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा, और ये वाला बल जो ऊपर है, ये वाला बल बराबर होगा किसके, जितने बल नीचे लग रहे हैं। तो नीचे हमने देखा दो बल लग रहे हैं, कौन कौन सा, एक एम जी और दूसरा एफ साइन थीटा। तो ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, एफ साइन थीटा, ये दो बल यहां पे लग रहे थे नीचे की ओर, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्षैतिज में देखिए एक्स डायरेक्शन में कितने बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं, एक आर साइन थीटा, दूसरा एफ एस कॉस थीटा। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक, यही लग रहा है। और यही बल, यही दोनों बल मिलके हमें क्या देंगे, अभिकेंद्र बल देंगे। तो इनको क्या हम बराबर लिख सकते हैं ना, किसके बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, ठीक, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखिए, हमारे पास अभिकेंद्र बल तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अधिकतम वेग भी कैलकुलेट करना है। तो अधिकतम वेग के लिए क्या कीजिए, पहले तो इस इक्वेशन को बना लीजिए अच्छे से, ठीक, mg को बाहर कर लीजिए अकेला, तो ये क्या बनेगा, r cos थीटा माइनस, इसको इधर कर देंगे तो माइनस f sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mg। इनको अब इक्वेशन मान लीजिए, इसको वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए। तो अधिकतम वेग के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हाँ, वन को टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक, वन को इक्वेशन टू, आर कॉस आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आना चाहिए, हाँ ये वाला, वन को टू से डिवाइड करिए आप। तो समीकरण वन को टू से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारे पास आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर आर नीचे एम जी, एम जी, एम एम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन तो हमारा आंसर देगा नहीं वी मैक्स, तो वी मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एफ कॉस थीटा के साथ। तो आप लिखेंगे आर कॉस थीटा को ऊपर नीचे भाग देने पर, सब इक्वेशन में आर कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग दीजिए, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर यहां भी भाग दीजिए आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा,
आर कॉस थीटा, सब में हम क्या कर रहे हैं, आर कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, आर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर आर जी बचेगा हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू में जी। अब देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा, प्लस एफ एस अपॉन आर क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, एफ एस अपॉन आर क्या होता है, म्यू एस होता है, यानी घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ठीक, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर होता है, तो एफ एस अपॉन आर क्या होगा, म्यू एस हो जाएगा, घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो एफ एस अपॉन आर क्या मिलेगा हमारे पास, म्यू एस हो जाएगा, और जो कि घर्षण गुणांक है, ये कॉस थीटा खत्म, आर कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन बच जाएगा, माइनस एफ एस अपॉन आर फिर से म्यू एस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। अब हमें पता करना है क्या, वी मैक्स, तो वी मैक्स जब पता करना है तो क्या करेंगे, यहां लिखिए वी मैक्स यानी अधिकतम वेग बराबर, यहां स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा, अब ये आर जी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा आर इंटू जी, ब्रैकेट में लिखिए इन चीजों को, तो इसको आप लिखेंगे म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये है हमारा इक्वेशन किसके लिए, मैक्सिमम वेग चार पहियों के लिए, और ये वाला क्या है, अभिकेंद्र बल किसके लिए, सड़क बंकन सड़क पर मूर्ति किसी चार पहिए वाहन के लिए। ठीक, ये डेरिवेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये था क्लास, और इसी के साथ ये चैप्टर आज समाप्त होता है। इस पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, उसे भी आप करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में, फिर इसके बाद हम न्यू चैप्टर पे बढ़ेंगे। धन्यवाद।